उधर वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। बाढ़ प्रबंधन के लिए तैयार नहीं थी सरकार, किसानों की 90% फसल को बचाया जा सकता था, बांधों की मजबूती को लेकर सरकार ने नहीं की थी पहल। देखिए, ये तमाम आरोप अनुराग ढांडा ने लगाए हैं। कहा है कि बाढ़ प्रबंधन के लिए सरकार तैयार नहीं थी, किसानों की 90% फसल को वो बचा सकती थी, बांधों की मजबूती को लेकर सरकार ने कोई पहल नहीं की थी, यमुना और घग्गर किनारे बांधों को मजबूत करने की बेहद ज्यादा जरूरत थी, लेकिन सरकार ने बांधों की मजबूती को लेकर कोई पहल नहीं की, जिसका नतीजा सबके सामने है। आज वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा, आम आदमी पार्टी की तरफ से देखिए ये सवाल या निशान जो है वो खड़े किए गए हैं। पूरे हरियाणा के लोगों को एक संकट में डाल दिया और हमको पता लगा कि बिल्कुल ही अनप्रिपेयर्ड हालत में हरियाणा बाढ़ के बारे में है। बाढ़ की स्थिति के बारे में सरकार बिल्कुल अनभिज्ञ थी, तैयारियों के बारे में सोते हुए पकड़े कि आखिर ये बाढ़ आई क्यों, क्या इस बाढ़ को रोका जा सकता था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और जो तथ्यों के साथ मुझे समझ भी आई फील्ड पे जाकर के कि क्या इस बाढ़ को रोका जा सकता था। हमारा अनुभव ये कहता है और गांव के लोगों से बात करने के बाद हम इस बारे में आश्वस्त हैं कि 90% इस बाढ़ के कारण जो नुकसान हुआ उसको बचाया जा सकता था, उसको रोका जा सकता था और 90% जमीन जहां पे पानी भरा उसको भी बचाया जा सकता था, उसको रोका जा सकता था। जबकि चौधरी देवीलाल के समय पे ही 19 किलोमीटर के तटबंध को मजबूत करने के प्रोजेक्ट को पास किया गया था। यह कहा गया था कि 19 किलोमीटर का यह तटबंध मजबूत किया जाएगा, पक्का किया जाएगा, लेकिन आज लगभग 4 दशक बीत जाने के बाद भी, 3 दशक से ज्यादा समय होने के बाद भी वो 10 किलोमीटर का स्ट्रेच आज भी घग्गर का उसी तरीके से पड़ा हुआ है, उसको पक्का नहीं किया गया और सिरसा के आसपास के जितने भी इलाके में बाढ़ आई वो उसी 10 किलोमीटर के तटबंध के टूटने की वजह से। यमुना के किनारे पर कोई भी सरकारी काम सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि सरकारी काम होगा तो सरकार की आवाजाही होगी, प्रशासनिक अधिकारियों की आवाजाही होगी उस इलाके में, वहां पर सरकारी काम चल रहा होगा तो उस किनारे पर अवैध माइनिंग खुलेआम नहीं हो पाएगी, इसलिए इस अवैध माइनिंग को बेरोक टोक जारी रखा जा सके सिर्फ इस साजिश के चलते पिछले 9 साल में यमुना के किनारों पर तटबंध बनाने का कोई